Today I'm going to do a Hindi monat on Martini Haza. Jai Hind! नमस्ते, आज मैं आपके सामने मातंगनी हाजरा बन के आई हूँ। मातंगनी हाजरा एक भारतीय क्रांतिकारी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तब तक भाग लिया जब तक कि उन्हें ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने गोली मार दी थी। उन्हें प्यार से गांधी बुली बुलाते थे। अब मैं 29 सितंबर 1942 और उसके एक दिन पहले का एक छोटी सी दृश्य बनाऊंगी। गांधीपुरी, गांधीपुरी है क्या? कौन? तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपका शरीर तो तप रहा है, आपको दवा चाहिए। गांधी जी, गांधी जी, ये काने से भूखा चुक जाएगा क्या? हाँ, ये काले से भूखा छुटेगा, देख लेना। ठीक है, हम ये बताने के लिए आए हैं कि शाम 4 बजे वो अपना गुंदर चाचा के वहाँ मीटिंग है, भूखा कम हो जाए तो जरूर आना। अच्छा, तो हम चलते हैं। ठीक है। मीटिंग में लीडर कहा, कल 29 सितंबर है, अब हमें तमलुक दखल करना है, विदेशी सरकार को भगाकर हमारी देशी सरकार बनानी है। भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि लीडर होकर आप इस अध्याय में शामिल हो। आप सब ब्रिटिश पुलिस की गोली के सामने गरज कर मुकाबला करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, गांधी जी की जय, भारत माता की जय। मत कहना दादा बाबू, इस जुलूस में मैं जाऊंगी। क्या कहा? मैं जाऊंगी। अंग्रेज गुस्से में है गांधी बुढ़ी, कल गोली भी चल सकती है। तो क्या हुआ? सुनो, मैं तुम्हारा सेनापति हूँ, तुम्हें मेरी बात सुनने ही पड़ेगी। फिर तुम्हारे गांव वाले लांग से तमलुक 60-80 माइल दूर है, इतना रास्ता तुम नहीं चल पाऊंगी, तुम नहीं आ सकती। दादा बाबू, मैं जुलूस में सबसे पीछे रहूंगी, लेकिन जुलूस बिगड़ गए तो मैं आगे बढ़कर मोर्चा संभालूंगी। अच्छा ठीक है। अगले दिन स्वदेशी तमलुक शहर पहुंचे। जुलूस में शामिल स्वदेशियों को प्रेरित करने के लिए श्री अजय मुखर्जी ने ब्रिज रास्ते भाषण दिया। आज हमें तमलुक को दखल करना है, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी ब्रिटिश पुलिस चार्ज किया, तुम्हें आजादी चाहिए? चुक, 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 चुक। सुनो भाई, तुम्हारा रंग भी काला है, हमारा भी, हम सब की तरह तुम भी भारत माता के संतान हो। अरे, अंग्रेजों की गुलामी छोड़ो और अपनी माँ अपनी धरती के लिए तन मन से बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वृद्धावस्था और निर्दयता को इस संघर्ष में आड़े नहीं आने दिए। धन्यवाद।